हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे VW1 में आने वाला एक बहुत ही एडवांस्ड फीचर रिमोट इमोबिलाइजेशन का। इस फीचर की हेल्प से आप अपनी वीडा को डीएक्टिवेट कर सकते हैं कहीं भी आपकी वीडा हो। सपोज़ करिए आपकी वीडा को कोई चोर ले जाता है तो आप घर पे बैठे बैठे अपनी वीडा को डीएक्टिवेट कर सकते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू। तो चलिए देखते हैं ये फीचर कैसे काम करता है। सपोज़ करिए कोई चोर फॉब की चुरा करके आपकी वीडा को ले जाता है तो आप घर बैठे बैठे वीडा को डीएक्टिवेट कैसे करोगे। तो सबसे पहले ऐप में लॉगिन करना होगा। ऐप में लॉगिन करेंगे, ये देखिए वहाँ पर व्हीकल अपना चल रहा है, कहाँ पर है हमें नहीं पता। पहले ऐप में लॉगिन किया, ये ऐप में लॉगिन हो गया है। अब पहले मैं लोकेशन ऑन कर लेता हूँ, देखिए ब्लूटूथ वाईफाई ऑफ है, लोकेशन में ऑन कर लेता हूँ। अब ये जो फीचर है रिमोट इमोबिलाइजेशन, ये क्लाउड कनेक्टिविटी के थ्रू चलता है। तो अब मैं मोर पे जाऊँगा, देखिए यहाँ लिखा आ रहा है रिमोट इमोबिलाइजेशन, इस पर मैं टैप करूँगा। अब देखिए यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है डीएक्टिवेट वीडा का। अब ये इसने वीडा की करंट लोकेशन मुझे बता दी है, तो सबसे पहले मैं वीडा को डीएक्टिवेट करूँगा, इस पर टैप करूँगा और यहाँ पर अब ये मेरा पिन मांग रहा है जो मैंने सेट कर रखा है, वो पिन डालूँगा। अब पिन डाल के मैं जैसे ही सबमिट करूँगा तो देखिए स्क्रीन पर क्या लिखा आता है, इमोबिलाइजेशन इनिशिएटेड। अब जैसे ही व्हीकल की स्पीड ज़ीरो होगी व्हीकल ऑफ हो जाएगा, आप देखिएगा ये देखिए व्हीकल ऑफ हो गया है, एक इंजन का सिंबल बना गया है, दोनों इंडिकेटर जल रहे हैं और लिखा रहा है लिंप होम। अब ये व्हीकल ऑन होगा ही नहीं, आप दोबारा से मोटर को ऑन करके देख लीजिए, ऑन नहीं होगा, इंडिकेटर्स जलते रहेंगे, इंजन का सिंबल आता रहेगा। व्हीकल को ऑफ करके दोबारा ऑन करेंगे व्हीकल ऑन हो जाएगा लेकिन मोटर ऑन नहीं होगी। ये देखिए दोबारा लिंप होम लिखा आ रहा है, अब मोटर ऑन होगी ही नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए। अब इस बीच आप अपने व्हीकल को ट्रैक करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ भी चोर व्हीकल को ले गया है और आप अपने वीडा को वापस ले सकते हैं। अब सपोज़ करिए आपने व्हीकल वापस ले लिया है, अब आपको इसको दोबारा से एक्टिवेट करना है तो आप कैसे करोगे। तो दोबारा आप अपनी ऐप में लॉगिन करेंगे जहाँ लिखा आ रहा है स्कूटर इमोबिलाइजेशन, स्कूटर इमोबिलाइज्ड, या तो आप वहाँ पर टैप कर लीजिए या फिर मोर ऑप्शन में जाके दोबारा से रिमोट इमोबिलाइजेशन पर टैप करिए। अब यहाँ नीचे ऑप्शन आएगा एक्टिवेट वीडा का, तो आपको एक्टिवेट वीडा पे टैप करना है और दोबारा से अपना पिन एंटर करना है। और देखिए उधर स्क्रीन पे पार्किंग मोड वगैरह कुछ भी काम नहीं करेगा, वीडा में मोटर ऑन नहीं होगी। ये देखिए मैंने एक्टिवेट वीडा करके इसको सबमिट कर दिया है। अब लिखा आ रहा है इमोबिलाइजेशन कैंसल्ड इनिशिएटेड, अब देखिए थोड़ा सा सर्वर टाइम ले सकता है। ये देखिए अब इंजन का सिंबल भी हट गया है, इंडिकेटर्स भी हट गए हैं और अब व्हीकल ऑन हो जाएगा। ये देखिए व्हीकल ऑन हो गया है, अब नॉर्मल व्हीकल चलेगा। ऐप में अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, अभी इनिशिएटेड ही लिखा आ रहा है लेकिन मेरा व्हीकल ऑन हो गया है। अब नॉर्मल व्हीकल चलेगा जैसे पहले चल रहा था, तो सारे मोड्स भी चेंज होंगे, सब कुछ वैसा ही हो गया जैसे पहले था। तो है ना ये बहुत ही कमाल का एक एडवांस्ड फीचर जो VW1 में ही आता है, एक सेफ्टी फीचर है जो इस व्हीकल में आता है। तो ऐसे और फीचर्स के लिए देखते रहिए वीडियोस को और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।